बालका में नगर पालिका चुनाव की तिथि घोषित होते ही सरगर्मियां तेज हो गई है और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं आज जनता टीवी की टीम ने शहरवासियों से बातचीत की और उनसे जाना कि नगर पालिका चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने बताया कि समालखा में आवारा पशुओं की समस्या है, जिसमें सांडों द्वारा लगातार लोगों पर हमले किए जा रहे हैं और इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। लोगों का कहना है कि इस समस्या पर आज तक किसी भी चेयरमैन व पार्षद ने ध्यान नहीं दिया है और वे चाहते हैं कि जो भी पार्षद और चेयरमैन समालखा में नया बने वह इस समस्या को दूर कराए। वहीं लोगों ने पानी की निकासी व सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि समालखा में पानी की निकासी के अच्छे समाधान नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही समालखा में सड़कें जलमग्न हो जाती है। समालखा के शहरवासियों की क्या मुख्य समस्या है, इसको लेकर हम आज शहरवासियों से मिल रहे हैं कि उनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर वो अपनी वोट देंगे, कैसा वो समालखा में उम्मीदवार चाहते हैं। आज कुछ शहरवासी हमारे साथ है जिनसे जानेंगे कि यार क्या उनकी मुख्य समस्याएं है। समालखा में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपकी क्या समस्याएं हैं और कैसा आप समालखा में चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन समालखा में आम पब्लिक के काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा और काबिल हो। सबसे बड़ी समस्या समालखा में पानी निकासी की है। किसी भी कॉलोनी में किसी भी जगह चले जाओ, जरा सी बारिश होते ही पूरा समालखा पानी से लबालब हो जाता है। दूसरा, कॉलोनियों की एक्सटेंशन, नगर पालिका का एरिया जो एक्सटेंड होना था वो कॉलोनियाँ जो पास होनी थी पास नहीं हुई। आधे रोड अधूरे छोड़े हुए हैं। पंचवटी का ये रोड है पूरा बनाया नहीं, 20% छोड़ा हुआ है, बाकी बना हुआ है। आगे उसमें से कोई जा नहीं सकता ना आ सकता। समय पे सफाई व्यवस्था है, कई बार कंपनियों की गाड़ियाँ कई दिन आती नहीं, स्वीपर गलियों में आती नहीं, कचरा गलियों में पड़ाने वाली भरी रहती हैं। आए दिन इतने आवारा पशु, आवारा बंदर, आवारा कुत्ते इतने घूम रहे हैं, कमेटी का मार्केट कमेटी का कोई भी जान नहीं उसकी तरफ। समालखा में जो है आपने कई समस्याएं बताई है, आप बीजेपी जेजेपी इनेलो कहीं कांग्रेस कहीं ऐसी पार्टियां हैं जो अपने उम्मीदवार समालखा में उतार रही है, तो आप किस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी वोट देना चाहिए? उम्मीदवार अच्छा किसी भी पार्टी का हो, जो काम करने वाला शिक्षित और ईमानदार होगा उसको वोट देंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि यह किसी पार्टी में ना जाकर निष्पक्ष बंदे को ही, उम्मीदवार को ही अपना वोट देना चाहेंगे और पानी की निकासी की जो समस्या है वो मुख्य समस्या इन्होंने हमें बताई है। हम दुकानदारों से और शहरवासियों से जान रहे हैं कि क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं और कैसा उम्मीदवार जीतकर आए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। सर, समालखा में कई ऐसी समस्याएं हैं जो मुख्य है और क्या वो समस्याएं हैं कि समालखा में एक तो आवारा पशुओं का बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसमें सांड भी हैं और उसकी वजह से कई बार जाम भी लग जाता है और कईयों को घायल भी कर चुके हैं। ये इनकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक हमारे समालखे में पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसमें ध्यान दिया जाए। और दूसरा ये है कि कोई भी नेता आए किसी भी पार्टी से आए, हम कहते हैं वो बहुत अच्छा आए जिससे समालखे का सुधार हो सके। तो इन्होंने बताया कि समालखा में जो है आवारा पशुओं की समस्या मुख्य है, जिनमें सांड प्रमुख है और वो लोगों पे हमला करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि समालखा में निकासी की समस्या जो है वो भी एक मुख्य है और इसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। समालखा में नगर पालिका चुनाव की स्थिति आ चुकी है, आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे, किन समस्याओं को लेकर आप अपनी वोट उम्मीदवार को देना चाहते हैं? जो शहर के अंदर काम करेगा अच्छा, जो भी उम्मीदवार जो चेयरमैन पद के लिए आएंगे किसी भी पार्टी से आए, जो साफ छवि के होंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। शहर की सफाई व्यवस्था, हमारा मेन रेलवे रोड है उसमें अतिक्रमण है, कई चीज़ें हैं जो 4-5 साल से काम नहीं हो रहा है। हमारा मेन रेलवे रोड टूटा हुआ है, उसकी तरफ भी बिल्कुल प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा नेता आएगा तो वो ये काम करेगा। नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद का जो है जो चुनाव है वो डायरेक्ट होना है, उसमें सभी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हम तो जो अच्छा वक्ता होगा, जो वक्ता कह सकते हो आप, जो अच्छा कार्य करने वाला होगा, साफ छवि का होगा, हम उसी को वोट देंगे।
तो आपकी क्या मेन जो समस्या शहर की है जिनको लेके आपको लगता है कि ये हमारी समस्याएं हल नहीं हो पा रही है और जो भी आगे आए वो इन समस्या को हल हो और शहर का विकास हो सके? सबसे ज़्यादा तो मेन समस्या है सफाई की व्यवस्था, सफाई हो जाए, एक हमारे रेल रोड वगैरह जो टूटे हुए हैं उनको पूरा रूप से ठीक हो जाए, सबसे ज़्यादा तो यही होता है। और कुछ अतिक्रमण की भी व्यवस्था है उसको भी दूर किया जाए, और बाकी तो जो अगर आदमी मिलने जाता है तो उनसे जाके अच्छी तरह मिले, सामने वाला ये ना समझे कि मैं लीडर हो गया हूँ, भाईचारे की तरह बात करें उनसे। तो ये हमारे साथ दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि समालखा में जो है रोड टूटे हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और ये ऐसा कैंडिडेट विनर यहाँ पर चाहते हैं जो समालखा में सफाई व्यवस्था को लेकर और सड़कों के निर्माण को अच्छा करें और विकास कार्य करवा सके। समालखा के लोगों ने बताया कि उन्हें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वह चाहते हैं कि उन्हें ऐसा पार्षद और चेयरमैन मिले जो समालखा की समस्याओं का समाधान करा सके। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा।